तो आपको वो समुंदर वाली बातें याद आ रही हो रहा हूँ कि ये इस तरह से कुछ पानी, तो अल्लाह रहम करे हम सब पे और आप पे भी। ऐसा लग रहा है कि मैं भी अपने गांव आ गया हूँ और वही बरसात का। अस्सलामु अलैकुम भाई लोग, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का ब्लॉग बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है। मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा, चल। बहुत ही ज्यादा, जितना कि आप कभी सोचे नहीं होंगे, क्योंकि मैं वो चीज आपको इस ब्लॉग में दिखाऊंगा जो अपने इंडिया में देखा होगा, जो अक्सर ये बरसात में शुरू होती है। तो समझ जाओ मैं क्या दिखाने वाला हूँ। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना, जो बरसात में छोटी छोटी नदियाँ मिल करके इकट्ठा होता है, फिर जा करके वो बाढ़ का रूप ले लेते हैं। तो ठीक उसी तरह मैं मदीना मनोवर में आपको वो रूप दिखाऊंगा और यहाँ के सहूदी इस चीज़ को कैसे फील करते हैं और कैसे इंजॉयमेंट, जो इंटरटेनमेंट करते हैं, और पूरी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ। तो बने रहिए हमारे इंडियन ब्लॉग बाजार में। तो चलिए आपको हम स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। A few moments later. तो मैं आ गया हूँ आप लोगों को वही चीज़ दिखाने के लिए जिसके बारे में आप लोगों को मैंने बताया था। तो देख सकते हैं ये गाड़ियों का काफिला हमारे पीछे, कितने खूबसूरती दिख रहा होगा ये मौसम। पर ये मौसम पे मत जाइए, ये मौसम बहुत खतरनाक है, क्योंकि यही मौसम है जो वो रूप देखने को मिलता है, जो रूप मैंने आपको बोला है और दिखाऊंगा। देख सकते हैं हमारे पीछे ये जो यहाँ के लोकल लोग हैं सऊदी, वो अपने फैमिली के साथ, बच्चों के साथ किस तरह से ये पानी की जो गड़गड़ाहट की आवाज़ें सुन रहे हैं। तो यकीन मानिए कि इसको बहुत करीब से आपको दिखाएंगे। तो आपको मैं कुछ बैक कैमरा से दिखा दूँ। तो ये जो आपको खूबसूरत मंजर देखने को मिल रहा होगा, यकीन मानिए मैं भी खुद पहली बार देख रहा हूँ कि ये इस तरह से कुछ पानी बहते हुए, वो भी मदीना मनोवर में। और कहा जाता है कि ये अभी इसी साल इस तरह का मंजर देखने को मिल रहा है। तो देख सकते हैं इस तरह से, यकीन मानो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं इंडिया आ गया हूँ, सच में मुझे ऐसा फील। तो ये देख सकते हैं हमारे पीछे आपको जितने भी लोग देखने को मिल रहे होगा, ये सारे लोग लोकल हैं, सभी यहीं के हैं, सऊदी के ही हैं। तो ये सभी लोग पानी का मज़ा इस तरह से ले रहे हैं, यकीन मानो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैं भी अपने गांव आ गया हूं और वही बरसात का महीना है। और हमारे गांव में जो ऐसे बाढ़ आते हैं तो हमें ऐसा लग रहा है कि मैं भी यहाँ इस तरह से जो बाढ़ का मज़ा लेते हैं, इस तरह से मुझे भी फील हो रहा है कि मैं भी यहाँ बाढ़ का मज़ा ले रहा हूँ। तो यकीन माने ये मंजर जो है ना, पहली बार देखने को मिला है अभी मदीना मनोवर में। तो ये अल्लाह का कहीं ना कहीं करिश्मा है, कुछ उनकी ये मेहरबानी है जो इस तरह से कुछ व्यू देखने को मिल रहा है। तो अल्लाह रहम करे हम सब पे और आप पे भी, और अल्लाह बहुत बड़े हैं, हर किसी पे रहम। ये देखिए इस तरह से कुछ आपको देखने को मिल रहा होगा ये, तो आपको वो समुंदर वाली बातें याद आ रही होगी कि ये समुंदर में इस तरह का व्यू देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं हमारे जो बाढ़ आने का जो सीज़न होता है हमारे गाँव में, उस वक्त ये सीज़न देखने को मिलता है। तो सोच सकते हैं कितना इमेजिंग लग रहा होगा ये व्यू। तो मैं आ गया हूँ गोवा वाले बीच पे, नहीं मेरा मतलब है ब्रिज पे। गोवा वाले ब्रिज नहीं है, बस उससे कुछ हटके है। देख सकते हैं कि ये जो पूरा व्यू देखने को मिल रहा होगा, कितना खूबसूरत और खौफनाक भी है, क्योंकि हर वो खूबसूरत चीज़ खौफनाक भी होती है। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो, बस देखने का नज़रिया होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि अभी फ़िलहाल मैं वहाँ से वीडियो शूट कर रहा था। हमारे में तेरे बाप को मत सिखा, चल। जो आपको देखने को मिली हो, और ये हमारे नाजीज़ दोस्त, अजीज़ दोस्त, गजब बेइज्जती है, ये भी मजे ले रहे हैं एकदम फुल। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। आज तो एंजॉयमेंट का दिन था, क्योंकि आज बारिश हो रही है और यहाँ की बारिश लोग बहुत एंजॉय करते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, जैसे मानो कि एक त्यौहार सा होता है। जैसे आप देख सकते हैं हमारे पीछे पूरे फैमिली के साथ आ रखे हैं, और इधर भी देख सकते हैं
जो गाड़ियों का जो काफिला देखने को मिला होगा, मिल रहा होगा, वो भी परिवार के साथ। और इस तरह से देख सकते हैं ये हाईवे पे गाड़ी रोक करके, यकीन मानो हमारे मुल्क में ऐसे देखने को नहीं मिलता। और ये देखो हमारे पीछे बिजली भी कड़क रही है। और ये कुछ इस तरह से ये बीच का सीन है, बीच बोले तो ब्रिज, जो पुल बोलते हैं अपने यहाँ। तो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा और आप लोगों को ये बिजली की कड़कड़ाहट सुनाऊँ। आप देख सकते हैं कि बारिश बहुत तेज हो गई है, तो मुझे ब्लॉग को यहीं पे एंड करना पड़ेगा, क्योंकि अब कुछ रहा नहीं, क्योंकि मैं भीग रहा हूँ, इस वजह से कुछ दिखा नहीं सकता। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को बहुत ही मज़ा दिलाऊंगा। और ये सब देख सकते हैं, ये जितने भी लोग इंजॉय कर रहे थे, ये सारे लोग अब अपनी अपनी कार में जा रहे हैं, क्योंकि बारिश दबा के हो रही है। मैं भीग रहा हूँ, ये देख सकते हैं जो हमारा ब्लूटूथ है, ये काफ़ी भीग गया है। तो जितने भी लोग हैं सब अपने अपने गाड़ियों में बैठ चुके हैं, हमारे पास तो कोई गाड़ी है नहीं। जो मैं आपको आगे और भी कुछ दिखाऊं, तो चलिए मैं ब्लॉग को यहीं पेंट करता हूं, क्योंकि मैं भीग जाऊंगा तो फिर नेक्स्ट ब्लॉग नहीं ला पाऊंगा। तो खैर आप लोग मुझे इजाज़त दें जाने के लिए, ताकि मैं दूसरे ब्लॉग का तैयारी कर सकूँ, ब्लॉग आपके बीच ला सकूं। और ये देखिए मेरा भाई जो है बारिश में भीग गया है, और इस कदर ठुठूर गया है, यकीन मानो वो जो छोटे छोटे चूजे होते हैं, गजब बेइज्जती है ना। देखो मेरा भाई, तो इसे कहते हैं वो बारिश का मजा लेना। क्या भाई, भाई एंजॉय किया यहाँ मदीना की बारिश? यहाँ बारिश बहुत कम होती है, बहुत कम होती है, आई है तो एंजॉय तो करना चाहिए। बिल्कुल, ये अल्लाह की रहमत है, और यही रहमत जो है ना देखने के लिए, वो जो यहाँ के लोकल लोग जो सऊदी है, वो बहुत ही खुशियों के साथ इजहार और इंटरटेनमेंट करते हैं इस बारिश में। तो चलिए इसी के साथ आप लोगों को फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।